देहरादून के एक युवा ने पान खाने वालों के लिए उनके ठिकाने के बारे में सोचने वालों की सोच ही बदल डाली है। जी हाँ, आपने चाय कैफे सुना होगा, कॉफी कैफे भी सुना होगा, लेकिन जब पान खाने की बात आती है तो सबको एक छोटा सा पुराना खोखा ही नजर आता है। इस सोच को बदलते हुए देहरादून के एक युवा ने 2 साल पहले बनारसी पान कैफे की शुरुआत की। लोकल 18 से बातचीत करते हुए नरेश तिवारी बताते हैं कि उन्होंने अक्सर देखा कि ज्यादातर शहरों में पान के खोखे ही होते हैं और यह भी बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। साथ ही पान को एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने कहा कि एक छोटे स्टॉल में पान की खरीदारी करने फैमिली या अन्य कोई ग्राहक अंदर नहीं आ पाता था और ना ही उन्हें इतनी ज्यादा वैरायटियां मिल पाती थी। इसके बाद उन्होंने पान का कैफे खोलने की सोची। उनका यह आइडिया सफल साबित हुआ और उन्होंने राजधानी देहरादून से बनारसी पान कैफे की शुरुआत की। उन्होंने इस पान कैफे को 100% टोबैको फ्री बनाया है। उनके कैफे में 75 प्रकार के फ्लेवर्ड पान मौजूद हैं। उनका बनारसी पान कैफे 15 राज्यों में रनिंग पोजिशन में है और 53 से ज्यादा आउटलेट खोले जा चुके हैं। नरेश तिवारी बताते हैं कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद वह मार्केटिंग की जॉब करने लगे, जिसके लिए उन्हें अलग अलग शहरों और राज्यों में जाना पड़ता था। इस दौरान उन्होंने देखा कि कई बड़े शहरों में पान की अच्छी बड़ी दुकानें होती थी और जयपुर जैसी सिटी में तो पान के कई प्रीमियम शोरूम भी हैं। यहीं से उनको आइडिया आया, क्यों ना एक पान का कैफे राजधानी देहरादून में खोला जाए, जिसमें ग्राहक अपनी स्वेच्छा से बेहतर पान का स्वाद ले सके। इसलिए उन्होंने फ्लेवर्ड पान अपने कैफे में रखे। इसी के साथ जो भी ट्रेंडिंग पान मार्केट में आते हैं वह अपने ग्राहकों के लिए कैफे पर मौजूद रखते हैं। और मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। इस ब्रांड की शुरुआत मैंने आज से 2 साल पहले की थी, जिसका नाम रखा गया बनारसी पान कैफे। आपने शहर में देखा होगा कि पान को खोखे ही हुआ करते थे, जिससे क्या होता फैमिली वगैरह अंदर नहीं आ पाती। तो माइंड में एक ख्याल आया कि क्यों ना पान का कैफे स्टार्ट किया जाए। तो 2 साल पहले इस कैफे की शुरुआत की गई। इसको हमने 100% टोबैको फ्री बनाया है। इसमें हमारे पास ना तो कोई सिगरेट सेल करते हैं, ना यहाँ पे कोई तम्बाकू वगैरह सेल करते हैं। हमने फ्लेवर्ड पान की शुरुआत की। हमारे पास लगभग 75 फ्लेवर्स के अभी राइट नाउ पान है। जैसे आजकल ट्रेंड में जो चल रहा है, फायर पान हो गया है, आइस पान हो गया, स्मोक पान हो गया, फिर फ्लेवर्ड में अपना चॉकलेट पान हो गया और बोलती बंद पान हो गया। जो भी ट्रेंडिंग पान होता है उसको हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट कस्टमर को दे पाएँ। फिर इस ब्रांड की जब हमने शुरुआत करी तो शुरुआत करने के बाद हमने इसको और भी स्टेट में एंट्री करवाया। अभी लगभग जो मैं 15 स्टेट में काम कर रहा हूँ और 53 आउटलेट्स के साथ इस ब्रांड को मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी आप जैसे जाएंगे गोवा में अपना आउटलेट मिलेगा आपको, चेन्नई में मिलेगा, कोटा मिलेगा, कोयम्बटूर मिलेगा, वेस्ट बंगाल साइड जाएंगे वहाँ मिलेगा, अपना सहारनपुर में आउटलेट है, अपना रुड़की में आउटलेट है। तो जो मेन आउटलेट है वो यही है अपना देहरादून का। इसको मैंने स्टार्ट किया कोटिंग होता था सर, जब मैंने अपना स्टडी कम्प्लीट किया तो उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया। तो मैं मार्केटिंग जॉब में था, मेडिकल रैप से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो मैं अदर स्टेट में जाया करता था, वहाँ देखा करता, जयपुर में गया जैसे मैं, तो वहाँ देखा पान के बहुत अच्छे अच्छे शोरूम हुआ करते हैं। देहरादून में उस चीज़ की कमी दिखा करती, तो उस कमी को मैंने पूरा करने के लिए जॉब के साथ साथ एक आउटलेट स्टार्ट किया राजपुर रोड पर। फिर जब मैंने देखा कि मैं कंफर्टेबल जोन में आ गया हूँ तो फिर मैंने जॉब को क्विट कर दिया और मैं फुल फ्लैश इस बिजनेस में आ गया। और फिर मैंने कहा कि अब जब हम देहरादून में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्यों ना इसे और राज्यों में फैलाया जाए और कस्टमर को जो हमारा पान, हमारा एक पुरानी चीज़ है, वो हमारे संस्कृति से हटती जा रही थी। मैं सोचा पान हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है और सारी चीज़ें हैं, तो पान को दोबारा से ट्रेंड में लाया जाए, इसलिए पान कैफे की शुरुआत की। पान है बेसिक सादा पान जो होता है 20 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अपना जो मीठा पान है और 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये चला जाता है। फिर अपने फ्लेवर्ड पान आते हैं सर, फ्लेवर्ड पान में हमारा चॉकलेट पान होता है 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये। फिर हम एक फायर पान बनाते हैं, उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ होती है। तो इस तरीके से हमने एक नॉमिनल रेट रख के कस्टमर को सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहे हैं।